हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नए वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब एंड कैसे चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही है। ओके, साथ में करें तो अच्छी चलने वाली है। ओके, तो बायोमॉलिक्यूल्स के आज हम लोग 10 ईयर करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। आज पार्ट वन है, ऐसे ही पार्ट टू पार्ट थ्री में इसको खत्म कर देंगे। हर एक चैप्टर का 10 ईयर अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। कुछ वहां पे हर एक चैप्टर का 10 ईयर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड हो चुकी है, सारे चैप्टर सीरियल वाइज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो देखिए। फायदा ये होगा कि हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक क्वेश्चन की फॉर्म में है। नोट्स आप लोग वहां पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो एंड आपकी कोई क्वेरी है साथ के साथ वो मतलब मैं उसके आंसर कर दूंगा। एंड दूसरा है कि वो सब कुछ फ्री है वहां पे आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर भी बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट वन। क्वेश्चन देखिए किस तरह से आए हुए हैं। मैं आपको साथ के साथ ये बताता चलूंगा कि क्वेश्चन कैसे आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर बाय। ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया सीबीएसई 2015 के अंदर। क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड्स एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि एम्फोटेरिक क्या होता है। एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर, और जो दोनों ही हो वो एम्फोटेरिक। जिसमें एसिड और बेस दोनों हो वो एम्फोटेरिक। अब देखिए होता क्या है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये मोनोमर हैं किसका, प्रोटीन का। मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी ये सारे का सारा बिल्कुल बेस्ट नोट्स प्रॉपर आपको अनअकैडमी से मिल जाएंगे। पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, समझाया वहां पे भी अच्छे से है, बट यह है कि वहां पे बुकिश लैंग्वेज भी है, समझाया भी हुआ है, तो दोनों काम है। ओके, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप वहां जा सकते हो। तो अमीनो एसिड लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं तो अमीनो एसिड मोनोमर है किसके, प्रोटीन के। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बनता है। अब ये समझिए कि कैसे, ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। अब अमीनो यानी यहां पे NH2 ग्रुप लगेगा, एसिड यानी COOH लगेगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा करेगा, और यहां पे कोई भी ग्रुप लगा सकता है, कोई भी ग्रुप, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब अमाइन जो है वो एक बेस होता है, COOH जो होता है वो एक एसिड होता है। अब एक बेस भी लगा है, एसिड भी लगा है, बेस भी लगा है, एसिड भी लगा है, तो दोनों वाले गुण आएंगे ना, और जिसमें दोनों वाले गुण उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसी वजह से अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स। ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट। एंजाइम्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट क्या होता है, पहले ये समझो कि यार कैटलिस्ट क्या होता है। विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दे। मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्पीड अप करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेम बात एंजाइम्स के साथ है, वो किन रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को। बायोकेमिकल रिएक्शन अक्कर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कहां पे हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। ओके, बात दूसरी बात कि एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। नाउ व्हाट इज हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक मतलब एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम, एक पार्टिकुलर एंजाइम होगा, दूसरे रिएक्शन के लिए दूसरा एंजाइम। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, लाइक केएफसी इज फेमस फॉर चिकन, डोमिनोज इज फेमस फॉर पिज्जा, मैकडी इज फेमस फॉर बर्गर, एंड बारासर इज फेमस फॉर ट्रिक्स केमिस्ट्री। मैं क्या कर रहा हूं, तो ऐसे एंजाइम्स फेमस है किसके लिए, एंजाइम्स फेमस है अपनी स्पेसिफिक नेचर के लिए। ये खास रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होगा, दूसरी खास रिएक्शन के लिए दूसरा एंजाइम होगा। बाकी एंजाइम्स की कई सारी बातें होती हैं, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ये काम करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से काम कर सकते हैं। एक ऑप्टिमम पीएच होता है, स्मॉल अमाउंट सफिशियंट होता है, और हाईली एफिशिएंट होते हैं, बहुत स्पीड अप कर देते हैं। कितनी स्पीड अप कर सकते हैं रिएक्शंस की, 10 की 20 टाइम्स तक स्पीड अप कर सकते हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो इन्वर्टेन बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा एंजाइम के लिए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज। एक सेकंड मैं ये देख लूं कि सब कुछ सही से चल रहा है, वो खुद से रिकॉर्ड करना पड़ता है ना। ठीक चल रहा है। तो डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज, क्या होती है पेप्टाइड लिंकेज समझिए। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन को जो सबसे छोटी यूनिट है, जो प्रोटीन का मोनोमर है, वो क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड होता है। क्या होता है भाई? अल्फा अमीनो एसिड। जब दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़े, कम से कम दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़े, कम से कम दो से ज्यादा हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, जितने मर्जी, बट कम से कम दो। तो जब ये दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे ना, तो क्या बनता है? एक पेप्टाइड बनता है। ठीक है, दो अमीनो एसिड जुड़ के एक पेप्टाइड बनाते हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अब अमीनो एसिड मैंने बताया था, एक कार्बन होता है, कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन होता है, कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं। अमीनो यानी यहां पे NH2 ग्रुप लगेगा, एसिड यानी CH2 ग्रुप लगेगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, मतलब एक ही बात है, मतलब अमीनो मतलब NH2 लगा दो, एसिड मींस CH2 लगा दो, यहां पे क्या लगेगा? H। सिमिलरली यहां पर भी क्या होने वाला है? यहां पे CH, यहां पे NH2 हो गया, बॉन्ड पूरे कर दो। मैंने बोला ना एक बॉन्ड तो H पूरा करेगा, यहां पे कोई भी ग्रुप लगा सकता है, H भी लगा सकता है, कुछ और भी लगा सकता है, मान लीजिए यहां पे CH3 है, तो होगा क्या? अब इसका OH जाएगा भाई एंड इसका H जाएगा, इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H बाहर निकलेगा, तो ये क्या बनेगा? H2O बनेगा। एंड यहां पे क्या बचा आपका? C। यहां पे क्या बचा? H। यहां पे क्या बचा आपका? NH2। यहां पे क्या बचा? NH2। यहां पे क्या है? CO है। यहां पे क्या है? NH है। यहां पे क्या है? C ऊपर है, CH3, ये है H, ये है COOH। दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं? अपने अंदर से एक H2O के मॉलिक्यूल को निकाल के, ये जहां से जुड़े हैं यहां से जुड़े हैं, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे इसे हम? पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। ओके, और ये बात की नहीं हो रही है? अगर इस पेप्टाइड का आपको नाम करना आ जाता तो देखिए, ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन, ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इसे हम लोग बोलते हैं एलानिन। तो ग्लाइसिन और एलानिन, इनके पहले तीन तीन अक्षर उठा लो तो इस पेप्टाइड का नाम होता ग्लाई एला। ओके, बात तो पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड के बीच में मिले, जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे, तो पेप्टाइड बनेगा, और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, या फिर सिंपली CONH लिंकेज को भी पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ लिंकेज जॉइनिंग टू अल्फा अमीनो एसिड। दो अल्फा अमीनो एसिड को कौन सी लिंकेज जोड़ती है? अभी करके हैं, ये क्वेश्चन आपका है ऑल इंडिया 2013 के अंदर। कौन सी लिंकेज है? वो है पेप्टाइड लिंकेज या फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन आया है आपका ऑल इंडिया 2009 कंपार्टमेंट के अंदर। हाँ जी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इट इज द प्रोसेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन चेंजेस वाइल केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। इट कैन बी डन बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग pH। क्या कह रहा हूं मैं कि प्रोटीन की नेचुरल फॉर्म को रिमूव कर दो, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, बट जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। एग्जांपल अंडा है, अंडे को उबाल दो, उबाल देंगे तो जो उसकी फिजिकल है, फिजिकल लुक है, पहले वो लिक्विड था, वो क्या हो चुका है? सॉलिड हो चुका है कि नहीं? तो फिजिकल चेंज होगी, बट केमिकल अंदर वो सामान तो सेम ही है ना, ये थोड़ी कुछ और ही अलग हो जाता है, केमिकल तो वही रहता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। तो डीनेचुरेशन
में क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होती है, स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। किस स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंजेस। आप लोग ये लिख क्या हो गई, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंजेस व्हाइल प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेंस सेम। अब बात ये है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगी कैसे, कैसे होगी, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग पीएच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ आर हार्मोन्स एंड विटामिन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट टू देयर सोर्स एंड फंक्शन। किसके बीच में डिफरेंस पूछा गया है? डिफरेंस पूछा गया है विटामिन्स के बीच में एंड हार्मोन्स के बीच में। क्या डिफरेंस पूछा गया? पहला डिफरेंस ये पूछा गया है कि इनका सोर्स क्या है, ये मिलते कहां से हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनका फंक्शन क्या है, इनका मेन काम क्या है। तो विटामिन्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इन्हें हमें बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है। तो सप्लाइड रेगुलरली थ्रू डाइट। और हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स सप्लाई नहीं किए जाते, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, अपनी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस बाय डक्टलेस ग्लैंड। बड़े सारे अंग है हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, तो टू द पॉइंट बात करनी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एग्जाम पास है तो वही बात करो जो आनी है। ये नहीं है कि अभी ही आइंस्टाइन बनना है हमने, बाद में बनेंगे, अभी 3 महीने उसके बाद छुट्टियां पड़ेंगी ना, उसमें फुल आइंस्टाइन बनेंगे। अभी तो सिर्फ ये है कि पेपर अच्छे मार्क्स स्कोर करने और 90+ लेके आने हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है। चलो, दूसरा काम क्या होता है विटामिन का, मतलब ये तो बात हुई सोर्स मिलते कहां से, काम क्या है। हर एक विटामिन का कुछ अलग काम है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं इनके, हमारी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। लाइक मैं विटामिन ए की बात करूं तो आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो विटामिन ए दूर करता है। ब्लड से रिलेटेड मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो विटामिन बी करता है। जो गम से दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो विटामिन सी करता है। एंड बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो विटामिन डी करता है। हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ऑर्डर को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉज द डिजीज पर्निकियस एनीमिया। पर्निकियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? पर्निकियस एनीमिया क्या होता है? पहली बात, एनीमिया क्या होता है? ब्लडलेसनेस। पर्निकियस एनीमिया क्या होता है? मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, समझ जाइएगा मैं से बोल रहा हूं, ये होता है पर्निकियस या पर्निसियस। होप कि आप लोग एडजस्ट कर लोगे, पर्निसियस एनीमिया या पर्निकियस एनीमिया, मतलब एनीमिया मींस खून की कमी, ब्लडनेस। अब पर्निकियस मतलब बहुत ही डेंजरस लेवल पे ब्लड की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी। ये किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1-2 की कमी से होती है। विटामिन बी की आगे फैमिली होती है, उसमें से विटामिन B1-2 भी है, एक है और एक स्पेशल टाइप का विटामिन होता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग गिविंग वन एग्जांपल। और क्या डिफाइन करना है आप लोगों ने? ड्यूटर आयन एग्जांपल डिफाइन करना है। ये आया है ऑल इंडिया 2011 एंड 2008 के अंदर। ड्यूटर आयन क्या होता है? क्या होता है ड्यूटर आयन? पहली बात तो ड्यूटर आयन एक ड्यूअल आयन है। बनता कब है? अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। क्या होता है अल्फा अमीनो एसिड? कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, एसिड यानी यहाँ पे CH लगेगा, अमीनो यानी यहाँ पे NH2 लगेगा, H लगा हो सकता है, यहाँ पे ग्रुप लगा सकता है। आपने इसका एक्वा सोल्यूशन लेना है तो क्या होगा? होना क्या है, एक्वा सोल्यूशन के अंदर एसिड क्या करते हैं? अपना प्रोटोन रिलीज करते हैं, अपना एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं। प्रोटोन मीन्स एच पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये अपना एच पॉजिटिव रिलीज करेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव जा रहा है ना दूर तो नेगेटिव आएगा। अब वो पॉजिटिव आएगा, देखिए एसिड एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं, बेस एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं, वो लेगा, ये क्या बनेगा NH3 और वो पॉजिटिव चार्ज ले गया है। हाँ, तो हुआ क्या, नेगेटिव भी बन गया, पॉजिटिव बन गया, दो आयन बन गए ना। और जब दो आयन बन जाते हैं, दो आयन को क्या बोलते हैं? ड्यूटर आयन बोलते हैं। डिफाइन कैसे करोगे?
इन अल्फा अमीनो एसिड व्हेन अ प्रोटॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइन ग्रुप ए ड्यूअल आयन इज फॉर्मड एंड दिस ड्यूअल आयन इज नोन एज ज्विटर आयन। अल्फा अमीनो एसिड में जब एक प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन ग्रुप की तरफ चला जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक ड्यूअल आयन बनेगा, उसे हम लोग ज्विटर आयन बोलेंगे। अब इसको रोकना है उसके लिए एक प्रोसेस होती है, वो आप सबने मुझे कमेंट में बताना है सो दैट मुझे पता लगे बच्चे एंड तक वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बस एंड में यही बोलना चाहूंगा आप सबका थैंक यू सो मच एंड वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो भैया दो तीन छोटे छोटे काम कर दीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना पॉसिबल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अनअकैडमी को फॉलो जरूर कीजिएगा, एंड अगर पॉसिबल हो तो मुझे कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी है और किन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो एंड कुछ भी कमियां हैं बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद।